Assalamu alaikum student. How are you student? I hope you are fine and healthy. Welcome to ME Foundation School. I am your English teacher for class KG2. Dear students, this is your English book. Present English Foundation 2. आज हम आपकी KG2 की English के book का page number 22 discuss करेंगे. Use of this, that, is, my. This, ye, that, wo, is, hai, my, mera. This is an apple. ये एक apple है. अब आपने इसको trace करना है. This is an apple. This is an apple. A double P L E. This is an apple. That is a mango. That is a mango. वो एक mango है. प्रेस करिए बेटा. T H A T. That is a mango. M-A-N-G-O, go, mango. This is a bus. This is a bus. ये एक bus है. This is a bus. That is an ambulance. That is an ambulance. वो एक ambulance है. Ambulance कौन से transport को कहते हैं? जब हम कोई बीमार हो जाता है और उसको hospital लेके जाते हैं तो वो हम ambulance में लेके जाते हैं. That THAT, that is an ambulance. ये trace करना है आपने. Ambulance. This is my doll. This is my doll. ये मेरी गुड़िया है. This is my doll. D-O-L-L doll. अब है पेज नंबर 23 बच्चों. Write down your date. सबसे पहले हमने डेट मेंशन करनी है और इसमें हम डिस्कस करेंगे I M U R. I means मैं, M हूँ, U यूज होगा तुम्हारे लिए, तुम है आप उसके लिए U यूज होगा और ये R है. I am a teacher, you are a student. I am a teacher, you are a student. जैसे मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही I am Yusuf. ये एक बच्चा है, यूसुफ है, बॉय है. उसका नाम क्या है? यूसुफ. वो कह रहे हैं मैं यूसुफ हूँ. I am Yusuf. और यूसुफ क्या बता रहे हैं? You are Yasmin. You are Yasmin. आप यास्मीन हैं या तुम यास्मीन हो. ट्रेस करिए. I am Yusuf. Y O U S U F.
यूसुफ। यू आर यास्मीन, तुम यास्मीन हो। यू, वाई को प्रेस करिए, यू वाई ओ यू आर ए आर ई, यू आर यास्मीन। वाई ए एस एम डबल ई एन, यास्मीन। आई एम कुत्सिया, मैं कुत्सिया हूँ। प्रेस करिए, आई एम ए एम एन कुत्सिया, क्यू। क्यू फॉर और क्या क्या आता है, क्यू फॉर क्वीन भी आता है ना, क्यू। क्यू फॉर कुत्सिया, क्यू यू डी एस आई ए। कुत्सिया कह रही हैं कि आई एम कुत्सिया, मैं कुत्सिया हूँ। एंड यू आर कासिम, एक बॉय की पिक्चर बनी हुई है तो वो क्या है, यू आर कासिम, और आप कासिम हैं। यू वाई ओ यू ए आर आर यू आर कासिम। कासिम भी क्यू से आता है, क्यू क्यू ए एस आई एम कासिम, यू आर कासिम। लास्ट है नंबर फाइव, आई एम अ डॉक्टर, किसके पिक्चर बनी हुई है, डॉक्टर की। प्रेस करिए, कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ यूसुफ, यू आर यास्मीन, आई एम कुत्सिया, यू आर कासिम, आई एम अ डॉक्टर। यह हमारा पेज नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया है। अब है पेज नंबर 24। राइट डाउन योर डेट, जिस दिन हम काम करेंगे उसी दिन की आपने डेट मेंशन करनी है। सबसे पहले आज हम करेंगे यूज ऑफ ही शी एंड योर। ही यूज होता है बॉयज के लिए, शी यूज होगा गर्ल्स के लिए, एंड का क्या मतलब होता है, और योर तुम्हारा, ठीक है। ही एक क्या बॉय है ना, ये क्या यूज होगा, ही इज कासिम, ये कासिम है। She is Kutsia. He is my friend. कासिम कह रहे हैं मेरा नाम कासिम है, ये कासिम है, फिर she is Kutsia और he is my friend, ये मेरे friend हैं। She is your teacher. मैं blackboard में काम करवा रही हूँ बेटा इस picture में। She is your teacher. अब यहाँ तीन pictures बनी हुई हैं। Number 5 में थ्री पिक्चर्स बनी हुई हैं, कासिम यूसुफ आर फ्रेंड्स, कासिम एंड यूसुफ आर फ्रेंड, कासिम और यूसुफ फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स किसे कहते हैं, दोस्त को। जैसे क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, इसी तरह कासिम और यूसुफ भी आपस में फ्रेंड्स हैं। चले अब हम किट ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ही एच ई ही बॉय है, इनके लिए यूज होगा ही इज, He is Kasim. शाबाश, अच्छे अच्छे राइटिंग में करना है, ठीक है, आराम आराम से काम करना, very good. Q A S I M Kasim. She is Kutsia. S H E she is Kutsia. Q U D S I A Kutsia. He is my friend.
FRIEND friend. He is my friend. वो मेरे friend हैं, वो मेरा friend है. She is your teacher. फिर चलिए. She is your teacher. TEACHER. She is your teacher. वो तुम्हारी टीचर हैं. योर का मतलब होता है तुम या तुम्हारा. यू का मतलब होगा तुम. योर तुम्हारा. शी इज योर टीचर. वो तुम्हारी टीचर हैं या वो आपकी टीचर हैं. अब कासिम. QASIM. कासिम एंड यूसुफ. YOUSUF. कासिम एंड यूसुफ आर फ्रेंड्स. ट्रेसिंग करें. FRIEND फ्रेंड्स. कासिम एंड यूसुफ आर फ्रेंड्स. यह आपका पेज नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया. Now page number 25. Write down your date. Use of on, the, for, off. Number one is this book is on the table. This book is on the table. ये किताब टेबल के ऊपर है. That football is on the mat. वो फुटबॉल मैट के ऊपर है या मैट पर है. दिस हॉकी इज फॉर यू. ये हॉकी आपके लिए है. इज दैट फुटबॉल इज फॉर यू. दैट फुटबॉल इज फॉर यू. वो फुटबॉल आपके लिए है. नंबर फाइव इज This is a glass of juice. This is a glass of juice. ये जूस का ग्लास है. ये जूस का ग्लास है. मेरा पेज 25 कंप्लीट हो गया है. आपने इसी तरह उसको ट्रेसिंग करनी है और बहुत नीटली काम करना है. ठीक है बेटा. अब आज आप लोगों ने अपना लेसन अच्छी तरह सीख लिया है. उसको आपने अच्छी तरह नीट राइटिंग में ट्रेसिंग करनी है. अच्छे से काम करना है. पहले डेट शो करनी है, उसके बाद काम करना है. और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है. उनकी तमाम बातें माननी है. और ये तमाम काम आपने नीट राइटिंग में करना है. ठीक है. अल्लाह हाफिज़. उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.